स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल क्षेत्रीय पेपर पर। तो देखिए आज हम कहाँ पहुँचे हैं, उत्तराखंड हरिद्वार ऋषिकेश जो कि शिवपुरी, यहाँ आज हम करने वाले रिवर राफ्टिंग जो कि 16 किलोमीटर की होगी। और देखिए अब वीडियो में देखिए एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है। देखिए इधर लाइन लगी हुई है एकदम बढ़िया, और ये रहा हमारा गाड़ी, और हमने सिग्नेचर विग्नेचर सब कर दिए है। देखिए ये रहा अपना गाड़ी, कैसा लग रहा, डर लग रहा है क्या? ना बढ़िया लग रहा है आपका, बढ़िया। तो इस देखिए जो हम ट्रिप करने जा रहे हैं उस ट्रिप का नाम दिखा देते हैं, और ये है अलकानंद रिवर एडवेंचर। और कहाँ से शुरू हो रहा है सर? ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है ना, उत्तराखंड। हाँ जी। और देखिए नेम ऑफ पार्टिसिपेंट्स, 8 पार्टिसिपेंट्स हैं, और पहले मेरा नाम है, और ये हमारे साथ ड्राइवर साहब, अपना एक बार नाम बता दीजिए प्लीज। पवन। पवन, पवन जी है, कहाँ से सर आप? उत्तराखंड। उत्तराखंड से। और ये हमको ले आए इस गाड़ी में जहाँ बोट से टिकटिंग है, और हमारा गाइडर कौन होने वाला है? अच्छे है ना, तो बाद में गाइडर से भी आपको परिचय कराते हैं। देखिए कुछ तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे। क्या रहे गाइडर से एक बार अपना इंट्रो दे दें प्लीज। सर मेरा नाम है जोसफ। जोसफ, यस यस। तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बता दो, कहाँ से कहाँ, कितने किलोमीटर का होने, क्या क्या? ये आपका 18 किलोमीटर पॉइंट वाला स्टार्ट है, शिवपुरी नाम है इसका। शिवपुरी, यस। और फिनिशिंग होगा आपका नीम बीच। नीम बीच शिवपुरी से स्टार्ट करें, और नीम बीच पे जी ये एंड होगा सफ़र। तो सफ़र में बने रहिए, एक बार दिखा दो। हमारे सहपाठी भी रहे इधर में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से रहे, तो हम लोग अभी थोड़े प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद वीडियो को डायरेक्ट बोर्ड से शुरू करते हैं। पार्टी और कहाँ आया हो आना तो सिर्फ जूता पहन के आ गए, भीग जाएगा थोड़ा बहुत पहन तो। कोई नहीं, इश्यू नहीं है ना, जूता रखा है। अच्छा अच्छा, होटल कहाँ है? ऋषिकेश में। हाँ। अच्छा, बड़ी खड़ी चला ढलान है यार, खड़ी ढलान है, पेड़ में छुपेगा ये तो। देखिए लाइन कैसी पड़ी हुई है इधर में, एयरपोर्ट को नमा रहे किस तरह से। गंगे मैया की जय। तो बाकी मेरा नाम जोसफ है, मैं इस बोट का गाइड हूँ। ओके, ये बोट है, बोट का फ्रंट साइड है, देन बैक साइड है। फ्रंट साइड की पहचान होती है ये रोप, ओके ना। बैक साइड ओनली गाइड बैठता है, उसे काम होता है डायरेक्शन ओनली कंट्रोल, उसका काम है मोड़ना, उसका काम है डायरेक्शन देना। आप लोग नहीं बोलोगे कि भाई इधर लो उधर लो, मेरा जहाँ सेफ लेगा मैं वहीं लूँगा, ठीक है ना। ओके सर, ये राइट है, ये लेफ्ट है, टोटल इसमें 9 चैम्बर डिवाइड होते हैं, 1 2 3 4 4 मिडल क्रॉस ट्यूब, इन्हें क्रॉस ट्यूब करा जाता है, ओके ना। 1 डाउन फ्लोर, आगे जाके एक भी चैम्बर पत्थर से लिखी जाए, डैमेज हो जाए, ब्लास्ट हो जाए, डरने की कोई बात नहीं है। 8 चैम्बर सेफ है, आगे भी जा सकते हैं, रुक भी सकते हैं, ओके ना। सबसे पहले बैठना कैसे, फ्रंट में 2 स्ट्रॉन्ग पैडलर बैठेंगे जो अच्छा चलाएगा भाई, ठीक है ना। बैठने कहते हो जो लेफ्ट में बैठेगा, याद रखना मैं लेफ्ट में बैठा हूँ, राइट में बैठा हूँ, जो लेफ्ट में बैठेगा बाहर होके बैठना है, सीट आउट है, जितना बाहर होके बैठोगे उतना अच्छा पैर लॉक होगा भाई। अंदर आके बैठो, किसी बड़े वेव को हिट करूँगा अंदर से प्रेशर लगेगा, सीधा बाहर जाओगे भाई, ठीक है ना। बाहर होके बैठना, लेफ्ट लेग आगे, राइट राइट लेग पीछे, एडी लॉक होगा ओनली, ओके ना। ये नहीं कि आपने ज़्यादा फंसा लिया भाई, ज़्यादा फंसाओगे नस पे नस चढ़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। जो बैक साइड बैठेगा उनको सेम इजी लॉक करना है, किस तरीके से, इसके नीचे स्पेस होता है क्रॉस ट्यूब के नीचे, इन सिलेंडरों के नीचे स्पेस होता है, इसलिए लेफ्ट राइट प्रॉपर चेक कर लेना गाइस, लॉक है या अच्छा नहीं है, ओके ना। तो सेकंड आपके हाथ में ये पैडल दिया जाता है, ओनली इसे पैडल बोला जाएगा, कोई रिवर में जाके चापू डंडा कौन चाहे लाठा नहीं, लाठी नहीं बोलेगा, ओनली पैडल, ओके ना। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट टी, सेकंड सब, थर्ड बिट। होल्ड कैसे करना है, टी से थंब डाउन एवरीवन, फर्स्ट फिंगर अप, सेकंड हैंड जस्ट नियर द ब्लेड, सो ब्लेड से 1 पाम, येलो पार्ट से इतना 1 पाम नापो, और ऐसा होल्ड करने का है प्रॉपरली। जो लेफ्ट में बैठेगा उसका राइट ऊपर आएगा, ठीक है ना, जो राइट में बैठेगा उसका लेफ्ट ऊपर आएगा, राइट नीचे आएगा, ओके ना। सो मैं बेसिकली आपको 3 से 4 कमांड दूंगा, उन्हें सुनना भी है फॉलो भी करना है, ये नहीं कि गाइस आप सुनी सुन रहे हो भाई फॉलो नहीं कर रहे हो, भाई फॉलो नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा, डबल मज़ा आएगा, बोट पलटेगी तबीयत से पानी पियोगे भाई, 5-6 लीटर तो पी लोगे, ठीक है ना गाइस। तो क्या करना है, मेरी कमांड को सुनना भी है और मज़े भी लेने, इन्जॉय लेने आए हो ना, फॉलो करना, ओके ना। सो फर्स्ट कमांड आएगी पैडल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या करना है आपको, एल्बो स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट योर आर्म, जस्ट लीन योर बॉडी फुल इन द डार्क डीप वाटर, ब्लेड लीन योर बॉडी फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे घिसना है,
ये नहीं कि भाई ऐसे चला रहे हो चप्पा चप्पा चरखा चले या फिर पानी को दर्द हो रहा है, इस तरीके से नहीं चलाना गाइस। टीम वर्क हो, आप लोग एडवेंचर करने आ रहे हो तो टीम वर्क चाहिए इसमें। क्या आगे मेजर रैपिड आएंगे, अभी बेबी आएंगे, आगे मेजर आएगा भाई। 90% रहता है कि बोट पलट जाएगी, 10% रहता है कि सेफ जाओगे आप लोग। सो क्या करना, बॉडी को यूज करना आगे से पीछे ओके, इस तरीके से लाना है। सेकंड कमांड है कि स्टॉप मीन सिंपली पेडल को प्रॉपरली होल्ड करना है, सी पार्ट नहीं होल्ड, टी पार्ट को एनी टाइम होल्ड रखना है, ओके ना। होल्ड द टी, पुट इन द थाई, सेकंड ओवर द पेडल, होल्ड द रोप, सो लाइक दिस, इस तरीके से। ऐसा होल्ड नहीं करेगा, आगे जाके रैपिड आएगा, वेव्स आएगा, ब्लेड में वाटर हीट होगा भाई, जबड़े पे लगेगा, सीधा बाहर जाओगे, वरना सामने वाले का किसी का हीट हो जाएगा तो मेडिकली प्रॉब्लम हो जाएगा, और हमारे पास क्विकली मेडिकली बैकअप नहीं होता है, ओके ना सर। सो कोशिश करना इस तरीके से लॉक करना, इससे लॉक हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ये, ओके। सो थर्ड कमान है कि मेरी ऑल बैक पेडल, मुझे लगता है आगे जाके मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है या रॉक से टकराने वाली, तो मैं बोलूँगा टीम ऑल बैक। ऑल बैक में क्या करना, सपोर्ट द हिप एंड बैक टू फ्रंट, फॉरवर्ड का अपोजिट, उल्टा पीछे से आगे, समझ में आ रहा है गाइस? यस। तो सबसे मेरी फोर्थ वन कमांड आएगी, सबसे सेफ्टी कमांड, इमरजेंसी कमांड। मुझे आगे जाके लगता है किसी मेजर रैपिड में आप लोग बाहर गिरने वाले या फिर मेरी बोट पलटने वाली है, मैं बोलूँगा एवरीबडी गेट डाउन, यानी कि आपने पैडल लॉक कर दिया और कंफ्यूज होकर मुझे देख रहे हो भाई क्या बोला है, फिर कूदिए, ऐसे कोई नहीं करेगा, ओके ना। सेम स्टॉप पोजिशन होना, होल्ड द रोप एंड गेट डाउन, अंदर आ जाना इस तरीके से। टी पार्ट को एनी टाइम होल्ड रखना है भाई, ठीक है ना, ऐसे नहीं पकड़ना वरना सामने वाले के दांत टूट जाएंगे, ठीक है ना। होल्ड द टी एंड गेट डाउन, गेट बैक क्विकली, अपने सीट पर वापस आ जाना है। समटाइम कोई बंदा रैपिड में बाहर गिर जाता है, डरने की कोई बात नहीं, आपके पास जैकेट है, 72 आवर्स तक फ्लोट करता है, हेलमेट है, आपको रॉक से बचाता है, रिवर में बेस्ट फ्रेंड है ये पैडल, इस पैडल से आप मुझे रेस्क्यू कर सकते हो, मैं आपको रेस्क्यू कर सकता हूँ अगर 5 से 6 मीटर की दूरी में होना, ठीक है ना। तो पास कैसे कराना है, टी से टी, ब्लेड पास कराओगे स्लिप हो जाएगा, सो टी से टी पास कराना है, यहाँ से कराओगे ग्रिप बन जाएगा, ओके ना। सो पास द टी एवरीवन, कोई भी कराओ, सो टी से टी लोग हो जाएगा उस इन तरह आप, ओके ना। समटाइम कोई बंदा ज़्यादा दूर चल जाता है, 10 से 15 मीटर की दूरी में, हमारे पास थ्रो बैग होता है, लाइक अ रेस्क्यू बैग, हमारे पास ये रेस्क्यू बैग होता है। तो मुझे नहीं पता भाई आप लोगों का नाम क्या है, ठीक है ना, मैं विसल भी मार सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ स्विमर या फिर हो हेलो, ठीक है ना। आपको मेरी तरफ आई कॉन्टैक्ट करना है, ओके, मैं आपके पास थ्रो करूँगा, ये नहीं कि आपके पास ही आएगा, लेफ्ट राइट अराउंड में कहीं भी जा सकता है, थोड़ा स्विमिंग करके कोशिश करने से होल्ड करने की, अगर स्विमिंग भी नहीं आता थोड़ा छपर मारने के से होल्ड करना है। होल्ड कैसे करना है, बैक होल्ड कोई नहीं करेगा, जहाँ आप 10 मीटर की दूरी में हो जाओ रेस्क्यू होने वाले को, वहाँ 25 मीटर दूरी तक चले जाओगे जब तक ये एम्प्टी नहीं होता पूरा, ठीक है ना। कोशिश करना है इसका मिडल भी नहीं करना, कोशिश करना है इसका माउथ क्लोज करो, यानी आपके पास रस्सी आ गई, आपने जल्दीबाजी में गले में लपेट लिया भाई, पेट में लपेट लिया, बोल रहे भैया पुल मी, ये एलोन की रस्सी होती है, जितना गीला होगा ना उतना टाइट होता रहेगा, बोट पे आते आते हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। क्या करना है, माउथ क्लोज करना है, लेफ्ट जैकेट शोल्डर पकड़ के पैडल को मिस नहीं करना है, और इस तरीके से लेट जाना है, वाइट वाटर स्विमिंग पोजिशन इस तरीके से, ठीक है ना। जो आपका लेग है वो डाउन स्ट्रीम होगा, हेड आपका अपस्ट्रीम, फेस स्काई की तरफ, और माउथ बंद रहेगा, ओके ना। अगर आप लोग उल्टे हो तो कोशिश करना पानी पे खड़े होने की, ओके, समझ में आ रहा है? यस। अगर आप लोग ऐसे हो तो कोशिश करना सीधा होने की, अगर ऐसे रहोगे तो आप पानी पीते रहोगे कंटिन्यू, और आपको दिखेगा नहीं मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रॉक्स होगा सामने, चोट लग जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। और हाथ से पुश करोगे तो हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा, पैडल है, पैडल से पुश करोगे अपने रॉक्स को, फ्लो पे आ जाओगे, कोई पैनिक वूनिक कोई हाथ फ्रैक्चर नहीं होगा, अपने सेफ्टी से आ जाओगे, ठीक है ना। जैसे बताया सेम वैसे करना है गाइस, ठीक है ना। अपनी नहीं चलानी भाई, मजे लेने आए तो मेरी सुनना, अगर अपनी चलानी है तो भाई जैकेट पहनिए, कूद जाओ, चले जाओ, ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया सबको? यस। सो गाइस मेरा लास्ट वन क्वेश्चन, हेलो एवरीवन, किसी को मेडिकली प्रॉब्लम थी नहीं, हार्ट अस्थमा, बट डूबने से डर लगता है, बट ये सो मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? नहीं। ओके, लाउडली बोले गंगे मैया की जय, की जय, की जय। चलो सही है गाइस, हेलो फ्रंट साइड, आप दोनों लीडर हो, आप दोनों को आगे इसलिए बैठाया क्योंकि आप दोनों स्पीड दोगे भाई, ठीक है ना। आप लोग एक साथ चलाना, आप लोग इन्हें देख के फॉलो करना, पीछे वाले आगे वाले को देख के फॉलो करना। क्या करना है भाई, रैपिड टाइम में आपका ब्लेड पार्ट वाटर में टच नहीं होता भाई, सुन लो पहले, एक आगे फंसा ले, रैपिड टाइम में आपका ब्लेड पार्ट वाटर में टच नहीं होता, क्या करना है, बॉडी को यूज करना है भाई, बॉडी यूज करोगे हमारी बोट ऑटोमेटिकली आगे जाएगी, ठीक है ना, अंदर डाल आगे पुश करेंगे बॉडी, यस, इसके अंदर स्टेट योर आर्म, जस्ट लीन योर बॉडी, बस पुल बैक, पैर फंसवाइए ऊपर इसका, आगे वाला कोई बात नहीं, आगे वाला तो कहाँ फंसेगा, आगे वाला नहीं फंसेगा, वीडियो वाला क्या किया, साइड में लॉक करो, साइड में स्लाइड करो, चलो गंगे मैया की जय, भाई तू आ गया, ओके लेट्स गो, फॉरवर्ड ही बॉल, फॉरवर्ड, 1 2 3
भाई थोड़ा बॉडी को यूज करो, आगे झुकाओ, आगे बॉडी को, हाँ बिल्कुल, यस बॉल गंगे भाई, ठंडा हो रहा पानी तो, एक साथ पानी नहीं थे, थोड़ा तेज चलाओ यार, ये बाल अर्जे 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 ओके नाउ स्टॉप ओके गाइस यू आर फर्स्ट वन रैपिड, सो रैपिड में पैसे कर ले गाइस, हेलो भाई रैपिड टाइम में कोई हल्ला नहीं करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल वैसी रैपिड का बहुत साउंड है, कुछ कमा को नहीं देगा, कितना जरूरी है, बिल्कुल बोले गंगे भैया की जय की।